सीमेंट शेयरों के लिए एक अच्छी खबर, और विशेषकर दो सीमेंट शेयरों के लिए, अंबुजा और साथ ही साथ नुओ को विस्तार। सूत्रों के हवाले से हमारी एक्सक्लूसिव खबर है कि ग्रीन सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए बड़ी रियायतें आने की तैयारी में, और इसको बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी पर काम चल रहा है। वाणिज्य मंत्रालय जल्दी ही इंडस्ट्री और बड़े स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा करके ग्रीन सीमेंट बनाने के लिए ऐलान कर सकती है। और इस वक्त देश में दो कंपनियां जो ग्रीन सीमेंट बनाने में सबसे आगे, अंबुजा और नुओ को विस्तार। आज का स्टॉक ऑफ द डे VPRPL, विष्णु प्रकाश आरपुगलिया, कंपनी को उत्तराखंड में अर्बन डेवलपमेंट और वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए 900 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है, इस पर आएगा इंपैक्ट। कंजाई नेरोलेक, ये है वो स्टॉक जो लोअर पैनल में अपनी जमीन बेच रही 726 करोड़ में, जो हमारे ऑफिस के आसपास का इलाके ही है, हम अच्छे इलाके में, बहुत अच्छे, बहुत 726 करोड़ में देखिए जमीन बिक रही है, और एथोन डेवलपर्स के साथ इस जमीन की बिक्री के लिए करार किया है कंजाई नेरोलेक ने। SJVN, यहाँ पर इन्हें 100 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट मिला है गुजरात सरकार से, इनकी सब्सिडरी इसको डेवलप करेगी 550 करोड़ रुपए में, लगातार एक्शन में काउंटर दिख भी रहा है आपको। अदानी ग्रीन कंपनी ने PFC कंसल्टिंग के साथ SPA किया है, और यहाँ पर एक हलवित ट्रांसमिशन में 100% शेयर एक्विजिशन करने के लिए करार किया है, ये एक बड़ा एक्विजिशन अदानी ग्रीन के लिए आता हुआ। इंडिया ग्लाइकॉल्स, यहाँ पर इनका काशीपुर में एक बड़ा प्लांट है जहाँ से एथेनॉल का उत्पादन शुरू कर दिया गया है, करीब 100 किलोलीटर पर डे के उत्पादन का ये शुरू किया गया है, हालांकि इस प्लांट की क्षमता 4 गुना है इसकी, तो अब से उत्पादन शुरू हुआ है और आगे इस पर प्रोडक्शन और बढ़ेगा ही। आज है बोर्ड बैठक साउथ इंडियन बैंक की, विचार होगा फंड जुटाने पर। सीमेक, इन्होंने करार किया है HAL ऑफशोर के साथ ONGC के एक प्रोजेक्ट के लिए, 3 साल के लिए चार्टर का यह करार किया गया है, और कंपनी को इस करार से करीब 160 करोड़ रुपए की आय आएगी, तो अच्छा डेवलपमेंट सीमेक के लिए भी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर एक्शन होता दिख रहा है, पब्लिक शेयर होल्डर एक मैथ्यू साइरेक है, उन्होंने करीब 25 लाख शेयर यानी कि 0.5% हिस्सेदारी इन दामों पर भी खरीदी है, 213.50 रुपये के आसपास, और ये बता दूँ कि आज और कल 2 दिन है इसके वायदा कारोबार में आखिरी दिन, और परसों यानी कि नई सीरीज जनवरी सीरीज से ये वायदा कारोबार से थैंक यू वेरी मच बाहर हो जाएगा। सूरज एस्टेट डेवलपर्स, यहाँ पर रखिए नज़र, कल की लिस्टिंग में कुछ फंड्स ने यहाँ पर खरीदारी करी है, BNP पारिबा आर्बिट्राज ने 2.25 लाख शेयर्स खरीदे हैं, बोफा सिक्योरिटीज यूरोप ने 3.25 लाख शेयर्स खरीदे हैं, तो देखते हैं आज अगर कुछ सेंटिमेंट पॉजिटिव मिलता है इससे या नहीं। ये है आज के टॉप 10 स्टॉक्स।